Of the chair, I would like to appeal to all the honorable members on second. There are so many members who have not even made their maiden speech in this building. This is the last session. So let all the members get an opportunity to have a speech in this house. So better, otherwise most of the members will be getting denying the chance to speak. Kindly cooperate with the chair. Time is very short. Asnin Masoodi ji, Jammu Kashmir budget is also there. You please. बहुत शुक्रिया जब जब. 7 minutes please. Seven minutes. एक गुजारिश में करूंगा जनाब. 7 minutes. दो बात है. एक तो जम्मू कश्मीर से मैं. Yeah, that's why 7 minutes. You please. तो दूसरी बात है जम्मू कश्मीर का बजट है. तो जनाब मेरे लिए तो दो एक यूनियन बजट भी और जम्मू कश्मीर का बजट भी डील करें तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन दीजिए. तो जनाब पहले जो पॉजिटिव पहलू इंटरिम बजट का, जनाब मुझे एहसास है कि ये इंटरिम बजट है उससे कोई तवक्कात हमें नहीं थी कि कोई वेलफेयर बड़ी अनाउंस होगी, वेलफेयर स्कीम होगी या कोई पॉपुलेशन मेजर होगा. लेकिन पहले इसके जो बेहतर पहलू हैं मैं उनका जिक्र करूँगा. जनाब जहाँ तक जो सर्विकल कैंसर वैक्सीनेशन का जो 9 से 14 साल की बच्चों के लिए है तो जनाब वो बड़ा सराहना कदम है. जनाब रूफ टॉप सोलराइजेशन भी बड़ा सराहना कदम है क्योंकि जो आगे हमें क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो हमारे वो कमिटमेंट्स हैं इंटरनेशनल लेवल पर उसके हवाले से ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कदम है. तो जनाब आवास योजना अगरचि इम्पॉर्टेंट है लेकिन हम लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं कर पाते हैं और ये सिर्फ घोषणाएँ रहती हैं. तो जनाब हमें भी टैक्स रिफॉर्म हमें तवक्कात क्या थी, सोशल सेक्टर है जिसमें उसमें और इन्वेस्टमेंट की लेकिन है ही नहीं, कोई प्रोविजन नहीं है. जनाब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर कोई जोर नहीं है. जनाब एफडीआई में सरप्राइजिंगली जनाब 2022 के मुकाबले में 2024 में 10% का 10% कम रहा. तो क्या वजूहत थी, मुझे उम्मीद है कि फाइनेंस मिनिस्टर जब जवाब देंगे तो इसका वो उसका जिक्र करेंगे. दूसरी बात यह है कि जनाब इन्वेस्टमेंट कमी आ गई, महंगाई और रोज़गारी के बारे में कोई प्रोविजन नहीं है, कुछ कहा नहीं गया है कैसे काम हो जाएगी. तो ये जो चैलेंजेस थे उन चैलेंजेस का जिक्र नहीं किया गया. और जनाब कैपेक्स का जो बार बार ऐलान किया जाता है कि 10 लाख करोड़ 7 लाख करोड़ लेकिन एक्चुअली वो रिलीज़ कितना होता है, ये उपलब्धियाँ जो उसकी है जो हसूलियाबियाँ वो हमें नज़र क्यों नहीं आती है, वो विजिबल क्यों नहीं है. जब इन सारे जो मामला है इन मामला पर हम तवक्को करेंगे जब फाइनेंस मिनिस्टर जवाब देंगी. तो लेकिन अब जम्मू कश्मीर की बात, जब जम्मू कश्मीर में जहाँ जो जम्मू कश्मीर के लिए बजट आया है तो 1,18,728 करोड़ रुपए का. लेकिन जहाँ जो थ्रस्ट एरियाज़ हैं वो आइडेंटिफाई किए गए, वो थ्रस्ट एरियाज़ ये हैं कि स्ट्रेंथनिंग ग्रास रूट डेमोक्रेसी, प्रमोटिंग हॉलिस्टिक एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, प्रमोटिंग J&K एज इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, डेवलपिंग न्यू टूरिज्म डेस्टिनेशन, एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, वुमेन एम्पावरमेंट एंड सोशल इंक्लूजन. अब जहाँ बारी बारी हम देखेंगे है क्या कोई पर हमें नज़र आता है इस बजट प्रपोजल्स में, इसका कोई जो ये थ्रस्ट एरियाज़ हैं जो फोकस एरियाज़ हैं इनकी कोई बात की गई है. जहाँ स्ट्रेंथनिंग ग्रास रूट डेमोक्रेसी, नहीं स्टेट असेंबली, नहीं अर्बन लोकल बॉडी इलेक्टेड, नहीं पंचायत इलेक्टेड. तो ये जम्मू कश्मीर का जनाब हाल है 1.5 करोड़ आवाम का जो, और जम्मू कश्मीर लद्दाख का, लद्दाख के लोग सड़कों पर है, जम्मू कश्मीर में अनसर्टेनिटी है. तो दूसरी बात जनाब है प्रमोटिंग हॉलिस्टिक एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. जब अभी मेरे सवाल के जवाब में कहा गया कि सैफरन प्रोडक्शन में 67% की कमी हो गई, प्राइम मिनिस्टर की एक योजना थी सैफरन मिशन, 500 करोड़ रुपए रखे गए थे, स्प्रिंकल इरिगेशन और जनाब ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था थी लेकिन मौके पर उसका जो ज़मीन पर उसका कोई असर नहीं और प्रोडक्शन में एकदम डाउन स्लाइड आ गया, 70% कम हो गई है. तो जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात है, जहाँ कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कोई विजिबल सेटअप्स नहीं. अभी हाल ही में 22 लाख बच्चों ने अप्लाई किया चंद सब असामियों के लिए. जनाब ये है बेरोज़गारी का हाल, हरियाणा के साथ जम्मू कश्मीर भी कम्पीट करता है बेरोज़गारी में जो हरियाणा को. जनाब इस वक्त हमारे 61,000 के करीब हमारे डेलीवेजर्स, कंट्रैक्टर एम्प्लॉज़ और बाकी वर्कर्स हैं, 10 साल से ऑर्गेनाइजेशन का इंतजार कर रहे हैं. तो कोई व्यवस्था नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं उनको रिक्रूट करने की या उनको मिनिमम वेजेस देने की, वो भी नहीं. जब HDFC तो जब यह दूसरा जो थर्स्ट एरिया है, अब इसका ये हाल है. जनाब डेवलपिंग न्यू टूरिज्म डेस्टिनेशंस कहीं पर कोई विजिबल नहीं है, सिर्फ वही गुलमर्ग और पहलगाम है और कहीं पर कोई कदम नहीं उठाया गया जिससे हमें यह लगता है कि यह लक्ष्य है और यह आइडेंटिफाई है, ये या इस पर हमारा फोकस अटेंशन होगा. जनाब जहाँ तक एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ की बात, तो वहाँ कहीं पर है ही नहीं. हर जगह जनाब एक गवर्नेंस डेफिसिट है,
हमें हवाला किया गया एक ब्यूरोक्रेसी के हवाले जो एक फेसलेस ब्यूरोक्रेसी है, अकाउंटेबल नहीं है और नहीं रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये वहाँ का हाल है जो लक्ष्य लगाई गई। अब जनाब जो वुमेन एम्पावरमेंट है वही उसका भी यही हाल है। तो जनाब अब देखिए एम्पावरमेंट आती है एजुकेशन से। हमारा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे जो कॉलेजेस हैं, हमारे जो स्कूल हैं वो बगैर किसी स्टाफ के हैं। साउथ कैंपस में जनाब सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, कैंपस ना हो यूनिवर्सिटी का, और सिर्फ 16 टीचर हैं। तो यही हाल तकरीबन हर एक कैंपस का है, हर एक कॉलेज का है, बड़ा डिफिसिट है। तो जनाब सोशल इंक्लूजन में जनाब जो इंक्लूजन में जो होने चाहिए थे इंपरेटिव्स, जो लक्ष्य होने थे, जो रोड मैप होना चाहिए था, वो कहीं पर विजिबल नहीं है। अब जनाब अगर इंडिविजुअली हम जाएंगे जनाब, जहाँ तक जनाब सबसे बड़ी कमी आ गई, जो सेंटर की तरफ से जनाब हमारे लिए जो फंड आता था प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट फंड, उसमें कमी आ गई जो तकरीबन 100%। अब जनाब हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन में -16.68 इस वक्त इस साल जनाब कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। तो जनाब ट्राइबल अफेयर्स में -11.37 है। जनाब जब एक है, मैं जम्मू कश्मीर से एक हूँ, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ सबके पाँच के पाँच को। तो ये बजट की बात नहीं जनाब, थोड़ा सा मुझे लैग्स दें, थोड़ा सा वक्त दें मुझे। तो जनाब जो डेब्ट है वो 49% है जनाब। अगर जो कैपेक्स 16.64 की कल्पना की गई है, क्या प्रोविजन बनाया गया, लेकिन ज़मीन पर जनाब कोई हो नहीं रहा। हेल्थ केयर सेक्टर में जनाब कितना डेफिसिट है जनाब की 40% पर इस वक्त हम काम कर रहे हैं, 40% स्टाफ पर, कंसल्टेंट लेक्चर। बस जनाब दो तीन मिनट में कंप्लीट करूँगा, जम्मू कश्मीर को 5 मिनट तो मिलना चाहिए ना, कहते हैं ताज है मुल्क। आपने 8 मिनट अभी तक। तो जनाब वही तो उपलब्धि रही है ना। तो जनाब जो डायग्नोस्टिक सेक्टर है जिसमें, उसमें जनाब कमी है। हमने कहा था कि आप अनंतनाग में बनाइए जनाब एक मैटरनिटी हॉस्पिटल, वो नहीं बन रहा है। जब चाइल्ड हेड का मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल दूर में, वो नहीं बन रहा है। एक पेट स्कैन नहीं लगाया जा रहा 25 लाख की आबादी के लिए, जब 1 करोड़ की आबादी के लिए एक पेट स्कैन है। सरप्राइजिंगली एंड शॉकिंगली जनाब -17% का इसमें जनाब कमी की गई है। तो जनाब ये एरियाज है जिन एरियाज में जनाब, इसी तरह जनाब हमारा पावर जनरेशन की बात है जनाब, इस वक्त 625 मेगावाट की जनरेटर, क्योंकि हाइड्रोलिक पावर कंक्लूड कर रहा हूँ। जाओ बस जनाब मैं इसके बस जनाब एक मिनट दीजिए, ये एक मिनट कंक्लूड प्लीज, एक मिनट में जनाब। ये बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर के तहत जनाब हमने दिए थे अपने पावर जनरेशन। तो जनाब जम्मू कश्मीर में ज़रूरी यह है कि हम यहाँ बल हो जनाब रिन्यूएबल एनर्जी पर, क्योंकि जनाब पानी का हम तो थर्मल वहाँ लगा नहीं सकते, तो उसमें कोई व्यवस्था नहीं। तो जिन मिल मिलाकर जनाब जो भी यहाँ रोड मैप किया गया है, जो भी डील लीड किया गया, धन्यवाद, उसमें कहीं पर हमें कोई कामयाबी लगती नहीं। अगर जो हमें कोई ज़्यादा तवक्कार नहीं थी क्योंकि इंटरिम है और कोई हम ज़्यादा मेजर्स नहीं, लेकिन जो ज़मीनी सूरत हाल है। Those members who would like to place the speech on record, they can place it on the table of the House. Speaker.